तेलंगाना के नालगोंडा में 23 साल का पिंडा कुमार की उसकी गर्भवती पत्नी के सामने बेरहमी से हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जिन 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उसमें लड़की के पिता मारुति राव, उसके अंकल श्रावण और हत्या करने वाला शख्स समेत 7 लोग शामिल हैं। जांच में यह सामने आया है कि मारुति राव ने प्रणव कुमार को मारने के लिए 1 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी, जिसमें से 50 लाख रुपए दिए जा चुके थे। यही नहीं, इस मामले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पांड्या का भी कनेक्शन सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तेलंगाना पुलिस के सीनियर अधिकारी ने बताया कि आरोपी मोहम्मद अब्दुल बारी को इससे पहले गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पांड्या के मर्डर के मामले में भी CBI ने अरेस्ट किया था, लेकिन बाद में उसे बरी कर दिया गया। बताया यह भी जा रहा है कि आरोपी अब्दुल बारी नागालैंड के ISI संदिग्ध असगर अली के गैंग का सदस्य रहा है। असगर और बारी दोनों 2003 में पांड्या के मर्डर केस में अरेस्ट किए जा चुके हैं। हालांकि मर्डर केस में बारी को रिहा कर दिया गया था, लेकिन असगर के खिलाफ अभी भी ट्रायल चल रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इसके तार ISI से भी जुड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज।